संपूर्ण भारत में निशुल्क वैक्सीनेशन कराए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारी शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर एवं प्रभारी मुरादाबाद अरशद अली उर्फ गुड्डू के संयुक्त नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय जगमोहन को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि कोविड 19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी भूलों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया। सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइस पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतें तय की गई, जिससे आपदा में लूट की स्थिति बन गई है। आरोप लगाया गया कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की मनमानी फीस वसूल की जा रही है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में मांग उठाई गई कि सरकारी अस्पतालों की तरह निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क वैक्सीनेशन कराए जाने की व्यवस्था कराई जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी बहुत अच्छे और कांग्रेस के प्रति वफादार आपके नेतृत्व में IDM कार्यालय के सामने हम अपनी मांग लेकर आए हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है कि पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन निःशुल्क है और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाए, और जितने भी अस्पताल हैं उनकी जांच कराई जाए। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो इन्होंने कमियों के कारण सीज भी किए और उसके बाद उसे खोल दिए गए। क्या ऐसा कारण है कि 24 घंटे में उनकी सील भी खोल दी गई? हमारे लोग बहुत परेशान हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले मांग करी थी 12वीं शिक्षा की परीक्षा रद्द हो, भारत सरकार ने वो मांग डाल ली, उनको कोटि कोटि बनाए। लेकिन ये मांग आज गरीबों के पास 100 रुपये नहीं है, वो कहाँ से 1500 रुपये की वैक्सीन लगवा लेगा? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वैक्सीन में एक बहुत बहुत बड़ा घोटाला है, उसकी किसी अच्छे जज के माध्यम से उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई बात आपके सामने आई है कि वैक्सीनेशन पैसे लेकर लगाए जाए? हाँ, आज भी आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाइए, 250 रुपये से लेकर 500 रुपये, जिसको आपके अगर गले में सोने की चैन पहनी है, आप कार से उतरे हैं, वो साबुन ने आपको देख लेगा तो 1500 मांग लेगा, और अच्छा आदमी इसको 1500 रुपये देता, चलो यार हाथ पर लग। सरकारी अस्पतालों में तो अभी भी निशुल्क है, जो सरकार द्वारा लगाई जा रही है वो आपकी निःशुल्क है। हमारी मांग है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी संस्थान में अगर वैक्सीनेशन लगे वो सरकार द्वारा लगे और उसका कोई चार्ज नहीं। अगर ये मांग नहीं मानी गई, कांग्रेस पार्टी सड़क से विधानसभा, विधानसभा से संसद तक इसकी। इस मौके पर जिला प्रभारी अरशद अली उर्फ गुड्डू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहत खान के अलावा सुशीला कश्यप, रईस खान, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद वसीम एवं मोहम्मद अहमद भी मौजूद रहे।